पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंता की, इसमें भी बताऊं इस सरकार की पहली टर्म में 40,000 पंच सरपंच के चुनाव हमने समाप्त किए जो आज तक नहीं किए गए, सालों सालों तक इनके शासन में नहीं हुए। इसके बाद में तालुका पंचायत की सीटों के, फिर मानेश्वर से आप कांग्रेस के दल के नेता हैं, मानेश्वर से आप थोड़ी प्रतिष्ठा बना के रखो, ऐसे क्या करते हो? एक मिनट माननीय गृह मंत्री जी, एक मिनट, आप कांग्रेस संसदीय दल के सदन में नेता हैं, गरिमा बना के रखो। आपने प्रश्न पूछा, माननीय गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं। मानी सर, नहीं मैं कभी नहीं होता भाई, कभी नहीं होता जल्दी की परमिशन गृह मंत्री जी। हाँ मान्यवर, इसके बाद में ब्लॉक के चुनाव हुए, सारे के सारे तहसील पंचायत ब्लॉक के चुनाव शांति से हुए, लगभग 95% से ज्यादा वोटिंग हुई है, कहीं पर भी हिंसा नहीं। ये पॉलिटिकल नहीं है क्या? ये भी पॉलिटिकल है। और जहां तक राजनीतिक नेताओं का जेल में रहने का सवाल है प्रतिबंधित आदेशों के तहत, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें किसी को भी एक दिन ज्यादा जेल में रखने की जरूरत नहीं है, ना इच्छा भी। जब वहां का प्रशासन निर्णय करेगा तब उनकी रिहाई हो जाएगी। और इसमें सुनो, अब इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, अभी ये सब 5 महीने 6 महीने से जेल में है। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस पार्टी ने साहब 11 साल तक जेल में रखा था, 11 साल तक रखा था, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, मगर हम उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहते। जैसे ही प्रशासन उचित मानेगा उसको छोड़ देगा, हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। और ये आपका कल्चर है कि प्रशासन को यहाँ से फोन कर इंटरफेरेंस करना, हम नहीं करते हैं। जब प्रशासन जब कहेगा, उनको उचित परिस्थिति लगी तब होगा। और मेरा सभी सदस्यों से इतना कहना है कि ये कुछ नेता जो जेल में हैं उनकी चिंता सबने करनी चाहिए, वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मगर ज्यादा चिंता घाटी के जनता की कर अगर आप सवाल पूछते तो घाटी की जनता को लगता कि कांग्रेस पार्टी हमारी भी चिंता कर रही है, सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की चिंता नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 305 श्री एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, कोई नोटेट नहीं हो रहा,